और फाइनली गाइस आ चुके हैं भाई टाइगर 3 के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली भाई वेड ऐसे लगभग समाप्त होने वाला है, थोड़ा सा ही टाइम बचा है, देखेंगे भाई कितना एडवांस हो चुका है अभी तक और पिछले 24 घंटे में कितने टिकट्स बिके हैं और कितने नंबर्स हैं और लास्ट में नेशनल मल्टीप्लेक्स का भी नंबर देखेंगे। बट उससे पहले कई सारे भाई अब जैसी जैसे रिलीज डेट क्लोज आ रही है तो भाई कुछ ना कुछ भाई नया अपडेट निकल के सामने आ ही जाता है और वो बवाल कर देता है भाई पूरे इंटरनेट में। सबसे पहले आज क्या हुआ भाई, देखो मुनीश शर्मा कुछ ना कुछ भाई बताते ही रहते हैं फ्यूचर के बारे में, इसमें ये है इसमें वो है और उसके बाद वो इंटरनेट में पूरी तरह वायरल हो जाता है और पब्लिक के बीच में गर्मागर्म फिर से माहौल बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि भाई 10-12 मिनट के बीच में सीन रहने वाला है, मतलब 10-12 मिनट में फुल ऑफ सीन होगा सलमान खान की एंट्री का, उसमें एक्शन सीन्स भी होंगे। यस यार इमेजिन करो 10-12 मिनट तो काफ़ी अलग अलग तरीके से भाई उनको दिखाया जाएगा। जो भी भाई मनीष शर्मा का इसमें तड़का होगा वो हमें दिखाई देगा और वैसे भी जो आपने पिछली दो पार्ट देखे होंगे तो कुछ यूनिक ही ट्राई किया भाई, मतलब चाहे फिर वो सलमान खान की एंट्री हुआ और आप पठान पिक्चर भी देखोगे भाई यहाँ पे SRK की एंट्री, SRK की एंट्री भाई जवान में कुछ यूनिक ही थी। चलो ये तो अलग फ्रेंचाइजी की पिक्चर हो गई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पाई यूनिवर्स की, YRF की। तो हमेशा भाई उन्होंने यूनिक करने ही ट्राई की है तो इसमें भाई कुछ यूनिक ही हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि वार के टाइम ऋतिक रोशन की काफ़ी यार अलग ही तरीके से वहाँ पर एंट्री हुई थी एंड उसके बाद फिर वो एक सोलो वीडियो रिलीज भी करते हैं बाद में कि किस तरह भाई उनकी एंट्री रहती है। तो देखते हैं फिलहाल किस तरह इसमें होगा। और नेक्स्ट जो अपडेट थी कि इसमें ऋतिक रोशन का कैमियो है एंड कैमियो के साथ साथ पिक्चर के अंदर 2 मिनट एंड 22 सेकेंड लेंथ और इंक्रीज की गई है जो कि बाद में ये सीन शूट किया गया है YRF स्टूडियो में। तो देखते हैं किस तरह ये सीन रहने वाला है, पोस्ट क्रेडिट सीन है वो रहने वाला है ये अभी सुनने में आ रहा है भाई, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो भाई मेरे भाई 12 नवंबर को जब दिवाली में इस पिक्चर को देखेंगे तब भी पता चलेगा आखिरकार इसमें क्या है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसमें NTR भी हो सकते हैं, यानी कि War 2 का हमें छोटा सा कैमियो देखने को मिलेगा Tiger 3 के अंदर। बाकी इसमें शाहरुख खान तो है ही है, मतलब स्टार कास्ट देखोगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब मल्टी स्टार पिक्चर बन गई है भाई Tiger 3। इसमें सलमान खान के फैंस आएंगे देखने के लिए, SRK के फैंस आएंगे देखने के लिए और यहाँ पर ऋतिक रोशन के फैंस भी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल हो गया। अगर सच में थोड़ा और रिवील कर देते मेकर मतलब NTR के बारे में तो मेरे भाई तेलुगु में भी फोड़ देती, मतलब तेलुगु व्यूवर्स किस टाइम, मतलब उनके फैंस किस तरह के रहते भाई, उनको पता चलना चाहिए कि यार उनके स्टार के पिक्चर आ रहे हैं वो दौड़े चले जाते हैं यार थिएटर, उनको ये भी पता चला भाई न्यू पिक्चर आ रही है। वैसे हम देखते हैं यार हिंदी पिक्चर को काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मिलता है साउथ में पहले वीकेंड में, मूवी चाहे जैसी मर्जी क्यों ना हो, जैसे मैंने बताया था ये गणपत हो गई, मिशन रानीगंज हो गई, किस तरह रिस्पॉन्स मिला था भाई, सुपर मोकमेंट से निकल के सामने आई थी कंपैरिजन टू अनदर प्लेसेस। बाकी आप सोच ही सकते हो, बस उनको पता चल जाए एक बार NTR है इसमें, चाहे फिर वो 2 मिनट में हो 1 मिनट में सिर्फ दिखाई दे वो भाई चले आएंगे सीरियसली। तो ये कुछ अपडेट्स है भाई, Tiger 3 बड़ी बेच रहा है नो डाउट, हाँ दिवाली में आ रही है उस पर पहले दिन थोड़ा नंबर्स कम आएगा हम सभी को पता है, बट संडे के बाद आने वाले फ्यू डेज में ये फाड़ के रख देगी, ये भाई अभी दिख रहा है, बस थोड़े रिव्यूज अच्छे निकलने चाहिए वो देखते हैं किस तरह निकल के सामने आते हैं। बाकी मनीष शर्मा पहले ही बता चुके भाई वो वेट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि जब पब्लिक इसको देख कर बाहर आएगी उनका क्या रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, रिएक्शन के साथ साथ भाई अप्रिशिएट भी करेंगे अगर अच्छी हुई तो। तो बात करते हैं गाइस डायरेक्टली हम नंबर्स की, एडवांस भाई कितना हो चुका है, लगभग भाई 4 दिन थे आज का दिन ऐड करके, बट अभी तो आज का दिन कंप्लीट हो ही चुका है, अब समाप्त है, अब 3 दिन है लगभग इसके पास। तो डायरेक्टली नंबर्स दिल्ली NCR में 1000 शोज फाइनली भाई, दिल्ली NCR में 1000 से ज्यादा शोज है गाइस वो जा चुके हैं और 56 शो फिली फास्ट है, 35 शो फिली फास्ट, 56 शो भाई फिली फास्ट है, 35 शो फुल है और 14% ऑक्युपेंसी के साथ 1.10 करोड़ का एडवांस हो चुका है विदाउट ब्लॉक सीट्स। तो NCR में 1 करोड़ पार एडवांस भी और 1000 से ज्यादा शोज भी जा चुके हैं। मुंबई 931 शोज में 30 फुल हैं, 60 फिली फास्ट है, 13% ऑक्युपेंसी के साथ 1.02 करोड़ का एडवांस है। पुणे 300 शोज में 19 लाख के आसपास है, 4-5% ऑक्युपेंसी आ रही है जो कि आज थोड़ा ये एवरेज रिस्पॉन्स है पुणे के अंदर। बेंगलोर 301 शोज में 15% ऑक्युपेंसी के साथ 57 के आसपास, यार बेंगलोर का कोई कंपेरिजन नहीं है।
हैदराबाद 286 में 23% ऑक्यूपेंसी के साथ 76 लाख से ज्यादा एडवांस है भाई। हैदराबाद तो यार अलग ही दुनिया में है। एंड कोलकाता 381 शो में 62 फुल एक्सटर्न फिलिंग फास्ट 23% ऑक्यूपेंसी 75 लाख से ज्यादा एडवांस भैया। कोलकाता में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने स्टार्टिंग साथ बताया था। चेन्नई 81 में 41 शो फुल है, 13 शो फिलिंग फास्ट है, 53% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी के साथ 19 लाख से ज्यादा भाई एडवांस हो चुका है। और टोटल नंबर्स की बात करूं उससे पहले गाइस आज कुछ ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पे भाई बड़े बड़े स्टार की पिक्चर यहाँ पे रह जाती है, बड़े बड़े स्टार की, बड़े बड़े स्टार भी छोड़ो यार, यहाँ पे आप पीछे जाओगे कुछ ईयर में तो यहाँ पे यार मूवीज़ लगती ही नहीं थी, यहाँ पे मूवीज़ चलती भी नहीं थी, यहाँ पे मूवीज़ का कोई नाम निशानी नहीं था। जी गाइस हम बात कर रहे हैं भाई जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर की। हाँ जम्मू में हमने काफ़ी सारे शोज देखे थे पहले, गदर 2 के टाइम भी देखे थे, गदर 2 हो गया जवान के टाइम भी देखे थे, अच्छे खासे फिल्म फास्ट थे, बट कश्मीर के अंदर शायद हम ऐसा काफ़ी कम ही देखते हैं। जो कि ये कुछ शोज़ है भाई आईनेक्स श्रीनगर के अंदर, ये आप सभी के सामने है भाई स्क्रीन शॉट, 7-8 शोज़ है और टोटली के टोटली मेरे भाई फीलिंग फास्ट चल रहे हैं। ओरेंज छाया है भाई, मतलब ये कौन कर सकता है मेरे भाई, ये सिर्फ टाइगर ही कर सकता है भाई। और ये देखकर मैं तो शॉकिंग हूँ यार, वाह यार ये क्या हो गया। तो बात करते हैं गाइस अब डायरेक्टली नंबर्स की। तो हिंदी में 8.40 करोड़ का एडवांस हो चुका है विद और ब्लॉक सीट्स एंड 312,670 से ज्यादा टिकट से गाइस वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि एवरेज टिकट्स प्राइस है 2D वर्जन नॉर्मल 255 to 260 के बीच में, जो कि जवान बिल्कुल मिलता जुलता आ चुका है, स्टार्टिंग से 300 था बट अभी आ चुका है नीचे। हिंदी आईमैक्स वर्जन 44 लाख एडवांस 7,108 टिकट्स हैज बीन सोल्ड, हिंदी 40X 99 लाख एडवांस, आईसी वर्जन 56,000 से ज़्यादा, जो कि तेलुगु वर्जन 9.5 लाख से ज़्यादा है, 7,700+ टिकट हैज बीन सोल्ड तेलुगु वर्जन, जो कि टोटल एडवांस है 9.05 करोड़ का, जो कि 3.30 लाख टिकट्स हैज बीन सोल्ड 3,30,000 से ज़्यादा, जो कि पूरे भारत में शोज हैं टाइगर 3 के, टाइगर 3 के बाद 11,500 से ज़्यादा है। और 11,500 शोज ही थे मेरे भाई गदर 2 के पास टोटली डे नंबर 1 में, डे नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, इंडिपेंडेंस डे हो, मतलब फर्स्ट पहले 5 दिन उठा के देखो तो यार यही शोज थे, मतलब 11,500-12,000 के आसपास शोज। और वही उसने यार इन्हीं शोज में 40 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़ डोमेस्टिक ओनली फॉर नेट वर्जन निकाला था। तो ये शो जो अभी मिले हैं भाई टाइगर 3 को, अब ये नहीं बोल सकते यार ये काफ़ी कम शोज हैं, अब शो मतलब 10,000 से ज़्यादा शोज मिले तो समझ लो कि यार ये तो किसी के भाई किसी की जान 14,000 शोज में रिलीज़ हुई थी। ब्रह्मास्त्र के कुछ इसी तरह शोज थे, बाकी जवान, पठान, गदर, बाकी जितनी मूवी रिलीज हुई है 23 में किसी के पास भी इतने शोज नहीं थे, बाकी आप सोच ही सकते हो कि इतने शोज है अभी टाइगर 3 के पास। और अभी 3 दिन हैं और भी ये शोज मैंने क्या बताया 15,000+ जाएंगे, जो कि जाएंगे वेट करो मेरे भाई। तो ये रहा टोटल एडवांस। बात करते हैं भाई नेशनल मल्टीप्लेक्स में, तो PVR 51,239 टिकट्स हैज बीन सोल्ड, तो फाइनली 50,000 से ज्यादा टिकट्स भाई PVR सोल्ड आउट करवा चुका है, 41,920 टिकट्स हैज बीन सोल्ड, आईनेक्स जो कि सिनेपोलिस में 19,933 टिकट्स बिक चुके हैं, ऑलमोस्ट 20,000 के बिल्कुल क्लोज है, जो कि टोटल टिकट्स बिके हैं 113,092 टिकट्स। एडवांस PVR में 1.90 करोड़ का, जो कि आईनेक्स में 1.45, जो कि सिनेपोलिस में 73 लाख का, जो कि टोटल एडवांस है 4.08 करोड़ का। फाइनली भाई 4 करोड़ से ज्यादा मामला जा चुका है नेशनल मल्टीप्लेक्स में और 9.05 करोड़ है टोटल एडवांस बुकिंग, इसका मतलब यार सिंगल स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा भाई स्ट्रांग चल रही है टाइगर 3, मतलब जितना मल्टीप्लेक्स में उतना सिंगल में, सेम सिचुएशन थी भाई मेरे भाई गदर 2 की भी। तो बात करते हैं भाई पिछले 24 घंटे में अभी तक कितना एडवांस हुआ है, कल भाई इसी टाइम था एडवांस लगभग 7.51 करोड़, 7.5 करोड़, और अब भी है 9 करोड़, यानी कि भाई 1.5 करोड़ का एडवांस हुआ है कल शाम से लेके अब भी, मतलब पिछले 24 घंटे में 1.5 करोड़ का एडवांस हुआ है टाइगर 3 का, जो कि टिकट्स बिके हैं कल से लेके अभी तक 30 और 30 हो गए 50, मतलब 55 से लेके 60,000 के आसपास, जो और इससे जो पिछले 24 घंटे थे उसमें बिके थे 65,000 के आसपास टिकट्स भाई, मामला घिरा यार पिछले 24 घंटे में 1.5 करोड़ के आसपास एडवांस, जो कि नेशनल मल्टीप्लेक्स में देखूँ तो 95,857 टिकट्स बिके थे भाई पिछले 24 घंटे, जो कि आज है 113,000 टोटल टिकट्स भाई, कितने बढ़े हैं ये 5 और ये हो गया 3, मतलब 17,000-18,000 ये सेम ही है जो पिछले 24 में पिछले 24 घंटे में था ना, वही सेम है, सिंगल स्क्रीन में थोड़ा एडवांस कम हुआ भाई।
तो ये रहा भाई टोटल एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भाई टाइगर थ्री की। अभी वेडनेसडे अभी नाइट ही है, अभी आज का टाइम तो कंप्लीट हो ही चुका है। अभी बच्चे भाई इसके पास तीन दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। पहले दिन कितना कर सकती है भाई? देखो अभी भी उम्मीद है 50 करोड़, थोड़ा मुश्किल लग रहा है भाई 50 करोड़। अभी 50-50 चांसेस हैं, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल गाइस इसमें आप सभी का क्या कहना है यस तो बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। ऐसे मिलते हैं सुबह भाई, तब तक के लिए।